नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। टीएनआर न्यूज का ये विशेष सेशन है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के इतिहास के बारे में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं रायगढ़ लोकसभा सीट के बारे में कि आखिरकार इसका इतिहास क्या कुछ रहा है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँ से किन किन सांसदों ने चुनकर दिल्ली का रास्ता तय किया है और जातिगत समीकरण क्या कुछ कहता है, किन किन पार्टियों का दबदबा इतिहास से लेकर अभी तक रहा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे कि आखिरकार आंकड़ों के लिहाज से 2024 में किसका पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने यहां पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, चुनाव बहुत ही करीब है। चलिए जानते हैं आखिरकार रायगढ़ लोकसभा सीट के बारे में। दरअसल रायगढ़ लोकसभा सीट 1962 में अस्तित्व में आया, उससे पहले 1952 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर रायगढ़ और सरगुजा ये दोनों एक ही लोकसभा सीट हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों को अलग अलग किया गया और 1962 में रायगढ़ और सरगुजा अलग अलग होकर अलग अलग सीट बन गए। रायगढ़ लोकसभा सीट दो संभागों में फैला हुआ है, बिलासपुर और सरगुजा। इन दोनों संभागों के 3 जिले शामिल हैं, इसमें सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला आता है, जशपुर जिला आता है और रायगढ़ जिला आता है। वहीं अगर यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात की जाए 3 जिलों में, तो 8 विधानसभा की सीटें रायगढ़ लोकसभा सीट में आती है, जिसमें रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें रायगढ़, धरमजयगढ़, लैलूंगा और खरसिया विधानसभा क्षेत्र आता है। वहीं जशपुर का जशपुर विधानसभा क्षेत्र, पत्थलगांव और पुनपुरी विधानसभा क्षेत्र आता है और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का केवल सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इन 8 विधानसभा सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 पर है, तो वहीं 4 पर कांग्रेस पार्टी इस समय काबिज है, यानी दोनों बराबरी की स्थिति में है। 4-4 पर इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक हैं। अगर देखें इसके इतिहास के बारे में तो 1962 से लेकर अभी तक यहाँ पर कुल 15 चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार बीजेपी ने जीत दर्ज किया है तो 6 बार कांग्रेस पार्टी जीती है, 1 बार अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने जीत दर्ज की है और 1 बार भारतीय लोक दल ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। रायगढ़ लोकसभा सीट पर राज परिवार का खासा दबदबा रहा है। यहाँ पर सारंगढ़ राज परिवार से 4 बार सांसद चुने गए हैं। वहीं अगर व्यक्ति की बात की जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 4 बार यहाँ से सांसद रहने का रिकॉर्ड बनाया है, जो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बार सांसद रहने का रिकॉर्ड विष्णुदेव साय के नाम है। बात करते हैं यहाँ पर मतदाताओं की। रायगढ़ लोकसभा सीट में कुल मतदाता 18,25,671 है, जिनमें पुरुष मतदाता 9,03,286 और महिला मतदाता 9,22,337 है। थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर मतदाता यहाँ पर मात्र 48 हैं। यदि बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा है, 85% की भागीदारी ग्रामीण आबादी रखती है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ में गांव में रहने वाले लोग हैं। ये सीट अनुसूचित जनजाति समाज के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति समाज के यहाँ पर 44% भागीदारी रखने वाले मतदाता है, जो जीत और हार को तय करते हैं। और OBC मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ पर मात्र 11.70% OBC मतदाता हैं। चलिए अब एक एक करके जानते हैं आखिरकार रायगढ़ लोकसभा सीट का 1962 से लेकर 2019 के आम चुनाव तक क्या कुछ सूरत हाल रहा है। 1962 में यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ अस्तित्व में आने के बाद, और यहाँ पर कांग्रेस नहीं जीती, बल्कि यहाँ पर अखिल भारतीय रामराज्य परिषद के तरफ से उम्मीदवार थे राजा विजय भूषण सिंहदेव, जो कि जशपुर राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, राजा रहे हैं, ये यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। पहले सांसद चुने गए यहाँ पर राजा विजय भूषण सिंहदेव। वही जब 5 साल बाद यहाँ पर आम चुनाव फिर से होता है तो 1967 में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करती है रजनीगंधा देवी के रूप में। रजनीगंधा देवी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेश चंद्र सिंह की सुपुत्री हैं, सारंगढ़ राज परिवार से बिलोंग करती है, और वही नरेश चंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होने का गौरव जिनको प्राप्त है, ये उनकी बड़ी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं रजनीगंधा देवी 1967 में। लेकिन जब 1971 में यहाँ पर फिर से एक बार चुनाव होता है 5 साल बाद, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उम्मेद सिंह राठिया यहाँ से जीत दर्ज करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी को दूसरी बार इस सीट पर जीत दिलाते हैं। लेकिन 1971 के बाद जब 1977 का दौर आता है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता है। वो इसलिए क्योंकि 1977 से पहले इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था देश में, और उस समय कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के खिलाफ देश की जनता में बड़ा गुस्सा था, विपक्षी पार्टियाँ उनके खिलाफ एकजुट हो गई और
जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान के बाद सभी पार्टियां एकजुट होकर भारतीय लोकदल का निर्माण करते हैं और हर दिन किसान छाप के चुनाव चिन्ह तले वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और रायगढ़ लोकसभा सीट पर भी नरहरि प्रसाद सुखदेव साय यहां से चुनाव जीतते हैं भारतीय लोकदल की तरफ से। 1977 के बाद जब 1980 में फिर से चुनाव होता है तो यहाँ पर रायगढ़ लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी की वापसी होती है और यहाँ पर पुष्पा देवी सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ रही थी। सारंग राज परिवार से ये भी आती है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के नरेश चंद्र सिंह की ये पुत्री हैं, दूसरी पुत्री जो यहाँ पे चुनाव लड़ती है। एक किस्सा है, इसी 1980 में इंदिरा गांधी यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे नरेश चंद्र सिंह को फोन करती हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी के बात के मान को रखते हुए उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा, पुष्पा देवी सिंह को, और वो जीतती हैं। लेकिन 5 साल बाद फिर से यहाँ पर आम चुनाव होता है जिसमें पुष्पा देवी सिंह फिर से बाजी मारती है और लगातार दूसरी बार इस सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाती है और अपना भी जीत लगातार सुनिश्चित करती है दूसरी बार। और वहीं जब 1989 में यहाँ पर 7वां चुनाव होता है इस सीट पर, तो बीजेपी यहाँ से जीतती है। भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार साय, बड़े आदिवासी नेता है जिन्हें आप जानते ही होंगे, वो यहाँ से जीतते हैं। पहली बार रायगढ़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का श्रेय नंद कुमार साय को जाता है। इन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई पहली बार। लेकिन जब 1991 में मध्य अवधि चुनाव होता है यहाँ पर, तो पुष्पा देवी सिंह फिर से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाती है और तीसरी बार इस सीट पर जीतने का रिकॉर्ड बनाती है। फिर आता है 1996, 5 साल बाद 1996 में यहाँ से फिर से चुनाव होता है यहाँ पर और नंद कुमार साय फिर से चुनाव जीत कर आते हैं और वो दूसरी बार इस रायगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन 1998 में यहाँ पर चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी लड़ रहे थे। उस समय वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन प्रवक्ता हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, और उनको कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट देती है और वो जीतते हैं और सांसद बनते हैं 1998 में। लेकिन यहाँ पर केंद्र में बैठी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है एक वोट से, जिसके बाद फिर से यहाँ पर मध्य अवधि चुनाव कराया जाता है 1999 में। वहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराता है और यहाँ पर अभी वर्तमान में जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णु देव साय, वो जीतते हैं 1999 में रायगढ़ लोकसभा सीट से। विष्णु देव साय की जीत होती है और वे जीत का सिलसिला लगातार चलता है। जब 2004 में यहाँ पर चुनाव हुआ तो विष्णु देव साय ही जीतते हैं, 2009 में फिर से यहाँ पर आम चुनाव हुआ तो विष्णु देव साय जीत का हैट्रिक लगाते हैं। वही जब 2014 में यहाँ पर फिर से आम चुनाव हुआ, मोदी लहर उस समय देश में चल रहा था, तो उस समय भी विष्णु देव साय यहाँ से जीत का चौका लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जीत दिलाते हैं। वहीं जब 2019 में यहाँ पर चुनाव हुआ तो विष्णु देव साय का टिकट काटकर गोमती साय को दिया गया और उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के गोमती साय ने लालजीत सिंह राठिया को हराया, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे उनको। लेकिन जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, तो गोमती साय को टिकट दिया गया पत्थलगांव से और वो यहाँ से विधायक चुनकर गई, इसके चलते उनको यहाँ से इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा। और अब जब यहाँ पर चुनाव हो रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राधेश्याम राठिया को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मेनका देवी सिंह को उतारा है। डॉक्टर मेनका देवी सिंह सारंगढ़ राज परिवार से आती हैं और इनकी दो बहनें यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, इनके पिताजी अविभाजित मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार यहाँ पर किनका पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे है जीत के मामले में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, लेकिन मेनका देवी सिंह राज परिवार से आती है और राज परिवार का दबदबा यहाँ पर रहा है, तो क्या इस बार राज परिवार का जादू चलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के माहौल में वो कहीं उड़ जाती है। बहरहाल आप कमेंट करके बताइए कि आखिरकार क्या लग रहा है इस बार रायगढ़ लोकसभा सीट में किनका पड़ा भारी लग रहा है आपको।